हमारा मार्गदर्शन कर रही है। इसके पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी ऐसे ही वंचित समाज से निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे और अब एक किसान के बेटे के रूप में आप भी करोड़ों देशवासियों की, गांव गरीब और किसान की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सिद्धि सिर्फ साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की आप दिलासा रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि यह सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए
एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।